हेलो दोस्तों, राकेश यूपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यूपी प्रयागराज संगम स्टेशन पर आए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ स्टेशन पर आने का मेरा सबसे बड़ा कारण है कि मैं आज अयोध्या नगरी को चल रहा हूँ। दोस्तों, ये देखिए प्रयागराज संगम स्टेशन का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह का समय है, अब हम स्टेशन के अंदर प्रवेश करने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी लोग लेटे हुए हैं क्योंकि इस समय हम 4 बजे स्टेशन पर पहुँच आए हैं। अब हम ट्रेन के पास आ गए हैं। ये ट्रेन के अंदर का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं और आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। इसी सीट पर हम बैठे हुए, बैग अपना रख दिए हैं। ट्रेन, ये रास्ते का व्यू देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ रास्ते में हमको कई गन्ने के खेत भी दिखाई दिए जो कि प्रयागराज में बहुत कम देखने को मिलता है। अब धीमे धीमे हम अयोध्या नगरी के पास पहुँचने वाले हैं। ये अयोध्या स्टेशन पर हम आ गए हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम आपको सरयू नदी पर चलकर वहाँ का व्यू दिखाएंगे। ई रिक्शा के द्वारा यहाँ से 10 रुपये ले रहा सरयू नदी के जाने के लिए। हम लोग आगे निकल दिए हैं। जस्ट नदी के पास पहुँचने वाले हैं। नदी के पास पहुँचने पर ये देखिए एक ब्रिज बना हुआ है जो कि खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तथा यहाँ पर देखिए पक्के घाट बने हुए हैं। आज हम लोग सरयू नदी पर नाव की भी सवारी करेंगे। ये देखिए लोग स्नान कर रहे हैं सुबह के समय। कितना खूबसूरत सरयू नदी का व्यू। बोट पे हम लोग बैठ गए हैं सेफ्टी जैकेट पहनकर। 60 रुपया प्रति व्यक्ति का किराया है। ये देखिए कितना खूबसूरत नाविक के विषय में यहाँ जलस्तर की गहराई तथा सरयू नदी की खूबी बताया जा रहा है। अब लोग यहाँ पर देखिए अब यहाँ से हम लोग चलकर राम की पैड़ी पर चल रहे हैं। ये देखिए राम की पैड़ी, ये पूरा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पानी को सरयू नदी से मशीन के द्वारा यहाँ पे एक नहरनुमा जैसे बनाया गया है, पक्का घाट जैसे हम आगे आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। दाएं साइड से पानी सरयू नदी का मशीन के द्वारा ऊपर प्रवेश किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए बहाव बांधा जैसे बनाकर किया गया है, तो यहाँ पर लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग बाहर चलकर श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि जहाँ है मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पर चलेंगे। ये गेट के पास हम लोग आ गए हैं। अब अंदर बाएं साइड से चलेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है मंदिर जाने का मार्ग। आगे बढ़ रहे हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है। अब वहाँ से हम लोग निकल कर कनक भवन आ चुके हैं। कनक भवन देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। अंदर एंट्री कर चुके हैं। इस भवन के विषय में ये बताया जाता है कि माता कैकेयी ने माता सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में दिया था, जो कि खूबसूरत अयोध्या का महल सोने जैसा चमकता हुआ दिखाई देगा। देखिए अब हम लोग
वहाँ से निकलकर दशरथ महल की ओर पहुँचने वाले हैं। दशरथ महल जो राजा दशरथ का मूल निवास स्थान था, ये अयोध्या में बीचों बीच दशरथ महल देखिए, जहाँ राम जी पैदा हुए थे। देखिए कितना खूबसूरत दशरथ महल, वास्तु में महल जैसा ही दिखाई ही देता है। यहाँ पर माता सीता, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी की मूर्ति, खूबसूरत लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए इतना खूबसूरत व्यू। अब हम लोग यहाँ से निकलकर हनुमानगढ़ी चलेंगे। हनुमानगढ़ी आ गए, जहाँ पर बजरंगबली की एक भव्य एवं खूबसूरत मंदिर है। देखिए यहाँ पर देखिए लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। हनुमानगढ़ी, श्री हनुमानगढ़ी ऊपर लिखा हुआ है। देखिए कितनी लंबी लाइन कतार लगी हुई है। लोग पूजा पाठ के लिए यहाँ से प्रसाद फूल माला फूल ले रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलकर उस क्षेत्र में आ गए हैं, जहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए पत्थर रखे गए हैं। ये देखिए जय श्री राम, इस डिजाइन आकार का भव्य मंदिर तैयार होगा। ये हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये पुराने पत्थर रखे हुए हैं, यानी पुराना पत्थर स्टॉक रखा, यहाँ भी कार्य चल रहा है। देखिए जो मंदिर तैयार होगा उस मंदिर के पत्थर यहाँ से सब वर्कर्स के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। देखिए इतनी बड़े बड़े पत्थर की शिला रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए वर्कर्स किस प्रकार इस पत्थर की डिजाइन कर रहे हैं, देखिए तराश रहे हैं। कितना खूबसूरत श्री राम जन्म भूमि का मंदिर जब बनकर तैयार होगा। ये देखिए कई क्रेन यहाँ भी खड़ी हैं बड़ी बड़ी। अब यहाँ से न्यू पत्थर, जो नेपाल से पत्थर आया हुआ था, वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर आके हमने गन्ने के जूस पिया, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। फिर उसके बाद जस्ट अब हम गेट के माध्यम से अंदर चल रहे हैं। वहाँ पे आपको लिए कर आ गए हैं, जहाँ पर नेपाल से दो बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, जो एक श्री राम की मूर्ति को आकृत दिया जाएगा और दूसरी माता सीता जी की। यहाँ पर लोग पत्थर पर आकर अपना माथा टेक रहे हैं तथा छूकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मन ही मन अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। ये देखिए दोनों पत्थर आपको हम दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से हम जस्ट निकलते हैं और आ गए हैं अयोध्या स्टेशन। ये अयोध्या स्टेशन का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। न्यू प्लेटफार्म स्टेशन तैयार किया जा रहा है। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन आकार का बनाया गया है। दोस्तों अयोध्या के विषय में जानकारी देने का मेरा तरीका आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को नमस्कार एवं धन्यवाद।